हाय दोस्तों, नमस्कार। तो हम पढ़ते हैं एक कहानी। कहानी का नाम है बलशाली भालू से खरगोश का बदला। वन में एक छोटे खरगोश ने एक वृक्ष की टहनी से झूला लटकाया। वह झूलने का आनंद ले रहा था। एकाएक एक बड़ा बलशाली भालू आया और उसे लात मार दी। ये खरगोश का झूला, ये भालू, और ये लात मार दी खरगोश, ये जा रहा है। खरगोश ने भालू से बदला लेने के लिए उसे सीख देने की डांट ठानी। इसीलिए उसने वन के बहुत से चूहों से सहायता की विनती की। ये खरगोश चूहों से सहायता की बात कर रहा है। एक दिन वे सभी चूहे वृक्ष की टहनी पर जा चढ़े। जब वह भालू झूले पर बैठा झूलने लगा तो चूहों ने चुपचाप झूले की रस्सियों को काटना शुरू किया। जब भालू तेज झूल रहा था, उन्होंने रस्सियों की पूरी तरह काट डाला। ये भालू झूला झूल रहा है और ये चूहे जो रस्सी को काट रहे हैं। बस झूले के साथ भालू नीचे धड़ाम से गिरा। भालू की कुछ हड्डियां टूट गई। उसके बाद भालू ने कभी किसी छोटे जानवर को परेशान नहीं किया। भालू जैसा बलशाली पशु भी एकता में रहने वाले छोटे चूहों के बल का सामना नहीं कर सका। बलशाली सांप भी नहीं, चींटियों के हाथों मारे जाते हैं। ये भालू नीचे पड़ा है और ये चूहा, वो खरगोश है जो हंस रहा है। हाय दोस्तों, नमस्कार। तो हम पढ़ते हैं एक कहानी। कहानी का नाम है लोमड़ी का मोल तोल। एक लोमड़ी की पत्नी ने मछली के शोरबा का मजा लेने की इच्छा प्रकट की। उसने अपने पति से मछली ले आने को कहा। तब वह तालाब के पास गया तो उसने दो बगुलों को पकड़ी गई एक मछली के लिए झगड़ा करते देखा। ये दो बगुले जो एक मछली के लिए लड़ाई कर रहे हैं। मछली का सिर एक बगुले की चोंच में था और पूंछ दूसरे बगुले की चोंच में। लोमड़ी दोनों के बीच के झगड़े का समझौता करने आई। ये लोमड़ी, दोनों बगुले और ये मछली। उसने कहा, तुम्हें मुझे फीस देनी होगी। बगुले मान गए। तब लोमड़ी ने मछली के तीन टुकड़े करते हुए कहा, मछली का सिर सिर पकड़े हुए बगुले को जाएगा और पूंछ जो है पूंछ पकड़े हुए बगले को जाएगी। बीच का हिस्सा मेरी फीस के तौर पर मेरा होगा। ये लोमड़ी, ये दो बगले और इनका ये पूंछ इसको दे रही है, सिर इसको दे रही है, बीच का हिस्सा खुद लेगी। इस लोमड़ी को बीच का बड़ा हिस्सा मिल गया, जिसे लाकर उसने उसकी पत्नी को दे दिया। उसने पत्नी स्वादिष्ट शोरबा बनाया। यानी कि ये बगले को थोड़ा सा पूंछ वाला हिस्सा दे दिया, इसको सिर वाला हिस्सा दे दिया और बीच का हिस्सा खुद लेकर लोमड़ी चली गई और जाके अपनी पत्नी को दिया और उसने बढ़िया स्वादिष्ट शोरबा बनाया। तो लोमड़ी इन दोनों के झगड़े को का फायदा उठा के अपना हिस्सा लेके चली गई।